देखिए जो भाषा और संस्कृति विभाग है वो पिछले कल और आज जो है पहाड़ी दिवस को मना रहा है। और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि पहाड़ी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 में हमारा जो कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल में मर्ज हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में जो है हम लोग 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाते हैं और भाषा संस्कृति विभाग हर साल करता है। तो इसी कड़ी में जो है काफ़ी सारे आयोजन किए गए और आज विशेष तौर पर जो है पहाड़ी भाषा की जो है ये जो काव्य जो पठन हुआ है ये किया जा रहा है। तो इससे इसका उद्देश्य बेसिकली 2-3 है। एक तो जो हमारी जो पहाड़ी भाषा है जैसे आपको पता है कि हमारी अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली है तो उन उसको बढ़ावा देने का जो है मेन उद्देश्य है उसके बारे में। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि लोग अपनी जो भाषा है मातृभाषा है या मातृबोली है उसको भूल रहे हैं और जो जैसे अंग्रेज़ी है या और भी भाषाएं हैं उसकी तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा हो रहा है हमारी जो युवा पीढ़ी का है। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इसके बारे में जागरूक किया जाए, अपनी मातृभाषा के बारे में बताया जाए और मातृभाषा का प्रचार और प्रसार करना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के तहत हिमाचल प्रदेश बना था कि हमारी एक अपनी सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विरासत है, एक इतिहास है, साझा इतिहास है और बोलियां जो है उसका एक बहुत ही बड़ा जो है एक हिस्सा है। तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, उस चीज़ को लोगों को याद दिलाने के लिए और उस चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो काव्य पाठन का जो आज यहाँ पे विभाग द्वारा आयोजन किया गया है। थैंक यू।